Hello everyone, welcome to Abhimsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisar and today we are going to study class 10 subject English Unit 2 Reading A The Never Never Nest. And today's video lecture we will see comprehension and question answers. So let's start. यहाँ पे कुछ statements दिए हुए हैं. इस statements को किसने कहा है and किसको कहा है and किस संदर्भ में कहा है. So let's see, what do you think of our little nest Aunt Jane? ये जो बात है वो जील ने कही है. किनसे कही? Aunt Jane से. किस संदर्भ में? Their house or their launch. घर and launch के संदर्भ में. No, no, Aunt Jane, you misunderstand me. ये बात किसने कही है? Jack ने. किससे? Aunt Jane से. किस संदर्भ में? Payment of the rent for the house. यानी house के जो rent है उसको payment करने के संदर्भ में. वैसे ही आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस. ये बात जैक ने कही है. किनसे कही है? अपनी वाइफ जिल से. किस संदर्भ में? अबाउट द रेंट ऑफ द हाउस. हाउस के रेंट के संदर्भ में. वैसे ही दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हैंड अलोन. ये जो बात है जिल ने कही है. किनसे कही है? आंट जेन से. किस संदर्भ में? टू टेक लोन. लोन लेने के संदर्भ में. आंट जेन इज एनीथिंग द मैटर? वुड यू लाइक टू लाई डाउन? इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये रिक्वेस्ट जैक ने की है. किन से? आंट जेन से. किस संदर्भ में? सिटिंग ऑन मिस्टर सेज पीस एंड सी लीप्स विथ अ लिटिल श्रिक. नेक्स्ट है थैंक यू आंट जेन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू. ये बात जिल ने कही है. किनसे कही है? आंट जेन से. किस संदर्भ में? टू पे ऑफ बिल्स, यानी बिल पे करने के संदर्भ में. गुड बाय आंट जेन एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट. ये जो बात है वो जिल ने कही है. कब कही है? जब जो है आंट जेन जब घर से जाने वाली थी चेक को देने के बाद, एक लिफाफे को देने के बाद, तब जो है जिल ने आंट जेन से कही. टू सी ऑफ द आंट जेन टू द बस. सो इस तरह से ये जो कथन है किसने कही है, ये जो बात है किसने कही है, किनको कही है और किस संदर्भ में कही है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन वन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिव बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ जो थ्री ऑप्शंस है इन ऑप्शंस से हमें सेलेक्ट करने हैं. सो फर्स्ट है व्हाई डिंट जैक एंड जिल पे रेंट फॉर देयर हाउस. दे डिंट पे द रेंट बिकॉज. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जैक एंड जिल है वो घर के लिए रेंट क्यों नहीं पे करते हैं, क्यों नहीं चुकाते हैं. They didn't pay the rent. वो जो है रेंट पे नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि they had bought the house on installments. Yes, C वाला ऑप्शन सही होगा. क्योंकि उन्होंने जो है घर को इंस्टॉलमेंट पे खरीद लिए थे, किस्त पे खरीद लिए थे, इसीलिए वो जो है रेंट पे नहीं करते हैं. नेक्स्ट है How much did Aunt Jane give Jack and Jill as their wedding present? यहाँ पे कहा जा रहा है कि Aunt Jane ने Jack and Jill को उनकी शादी के समय कितने पैसे दिए थे, यानी कितने अमाउंट दिए थे. 100 pounds, 200 pounds और 1000 pounds. तो यहाँ पे आ जाएगा 200 pounds. हालांकि उनको लग रहा था कि वो 200 की जगह पे 2000 pounds तो नहीं दे दिए हैं. नेक्स्ट है How much did Jack and Jill pay to get a car? Jack and Jill ने कार के लिए उन्हें कितना पे किए थे, यानी इंस्टॉलमेंट पे. सो यहाँ पे आ जाएगा 5 pounds एंड बाकी के जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट पे चुका रहे थे. नेक्स्ट है Why did Aunt Jane refuse to lie down on the bed? She didn't lie down on the bed because. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आंट जेन है वो बेड पे लेटने के लिए मना क्यों कर रही थे, क्यों मना कर रही थी. एंड सी डिडेंट लाई डाउन ऑन द बेड. वो जो है
बेड पे नहीं लेटी. क्यों? क्योंकि शी वॉज एंग्री विथ जैक एंड जिल. द बेड डिडंट बिलोंग टू जैक एंड जिल. शी वॉज इन अ हरी टू लीव द हाउस ऑफ जैक एंड जिल. सो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो बेड था, जो बिस्तर एंड जो जितने भी चेयर थे, जो भी चीज़ें थी, वो जैक एंड जिल के नहीं थे और इसीलिए वो जो है मना कर रही थी. नेक्स्ट है, व्हाई डिड आंट जेन गिफ्ट अ चेक ऑफ 10 pounds टू जैक एंड जिल. बिकॉज यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो आंट जेन है वो 10 pounds का एक चेक जिल को दे देती है, यानी जैक एंड जिल को दे देती है. क्यों? क्योंकि वो क्या चाह रही थी, वो चाह रही थी कि आंट जेन थॉट दैट जैक एंड जिल कुड मेक फुल पेमेंट्स फॉर एट लीस्ट वन ऑफ देयर बिल्स. तो ये सी जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि जो आंट जेन है वो चाह रही थी कि कम से कम एक चीज़ रहे उनके पास जो उनका खुद का रहे, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो इंस्टॉलमेंट पे थी. सो इस तरह से वो जो है ये चाह रही थी इसीलिए. नेक्स्ट है, व्हाट डिड जैक इंटेंड टू डू विद द 10 pounds चेक. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जैक है वो जो 10 pounds आंट जेन के द्वारा मिला था, उस 10 pounds का वो क्या करना चाह रहा था, मीन्स क्या करने की इच्छा कर रहा था. सो क्या करने की इच्छा कर रहा था? जैक वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ टू द डॉक्टर, या फिर जैक वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स फॉर द हाउसेस, या फिर जैक वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स फॉर द कार. सो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो जैक है वो जा रहा था कि वो कार का जो इंस्टॉलमेंट है वो 2 महीने के लिए पे हो जाएगा. सो इस तरह से वो इंटेंट कर रहा था, इच्छा कर रहा था. नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जेन विजिटेड जैक. जब आंट जेन जो है वो जैक के यहाँ विजिटेड करने आई, तब कितने पर्सन थे? तो वहाँ पे थे 4 पर्सन. सो इस तरह से ये हो गए ऑप्शनल क्वेश्चंस. अब हम देखेंगे क्वेश्चंस एंड उसके आंसर. सो क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब जैक एंड जील्स हाउस एंड द थिंग्स दैट इम्प्रेस्ड आंट जेन. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैक एंड जिल के जो घर है, उस घर में ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं थी जो आंट जेन को इम्प्रेस कर रही थी, आकर्षित कर रही थी. सो आंसर, द लॉन्ज ऑफ जैक एंड जिल्स हाउस वॉज चार्मिंग एंड कोजी, हैविंग प्रिटी फर्नीचर. मोर ओवर दे हैव गॉट अ रेडियोग्राम, अ कार, अ पियानो. दोज ऑल थिंग्स इम्प्रेस्ड आंट जेन. सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हाउस है, उस घर में जो जो लॉन्च है, लॉन्च में जो घर था वो मीन्स जो लॉन्च था वो काफ़ी आकर्षक था, काफ़ी सुंदर था. वहाँ पे जो आकर्षक सामान थे, जितने भी आरामदायक, कोजी, हैविंग प्रिटी, मीन्स जो आरामदायक चीज़ें हैं, सुंदर चीज़ें हैं, वो उनको काफ़ी आकर्षित कर रही थी. जो फर्नीचर है, वो सारी वस्तुएँ. इसके साथ साथ कई चीज़ें हैं, जैसे रेडियोग्राम हो गया, कार हो गई, पियानो है, ये सारी चीज़ें थी जो मीन्स आंट जेन को आकर्षित कर रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज आंट जेन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आंट जेन है वो अपने गिफ्ट चेक को लेकर के काफ़ी चिंतित थी. क्यों? उनको ऐसा क्या हो गया था कि वो उनके शादी के समय जो गिफ्ट की थी उसके लिए वो चिंतित थी. सो आंसर, आंट जेन वॉज वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक बिकॉज सी वॉज थिंकिंग दैट सी हैड पुट 2000 pounds बाई मिस्टेक. सो उनकी चिंता का कारण क्या था? उनकी चिंता का कारण ये था कि जो आंट जेन है वो सोच रही थी कि मैंने जो चेक दिए थे उस चेक में मैंने 200 पाउंड्स की जगह पे 2000 pounds तो नहीं लिख दिए थे, यानी गलती से. सो इस बात को लेकर के वो चिंतित थी, काफ़ी परेशान थी. नेक्स्ट है, व्हाई डिड जैक से दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ऑनर दैन टू बी मिस्टर टीनेंट. यानी जैक जो है, जैक ने ऐसा क्यों कहा कि मिस्टर टीनेंट होने के बजाय, यानी मिस्टर किरायेदार होने की बजाय मिस्टर मालिक बन जाए, यानी मालिक बन जाए. किरायेदार होने से अच्छा ये है कि वो मालिक बन जाए, ऐसा उसने क्यों कहा? सो आंसर, जैक न्यू दैट इट वॉज वेरी अनइकोनॉमिक टू पे रेंट ईयर आफ्टर ईयर. सो ही सेड दैट बी मिस्टर ऑनर इज़ बेटर दैन टू बी मिस्टर टीनेंट. सो जो जैक है,
उसके हिसाब से ये है कि हम सालों साल यदि हम किराया पे करते जाएंगे, रेंट पे करते जाएंगे, तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारा पैसा पे करना पड़ जाएगा। उससे अच्छा ये है कि हम मालिक बन जाए, यानी मिस्टर ओनर बन जाए और मिस्टर टीनेंट ना रहे। सो वो कहता है कि मिस्टर टीनेंट रहने से अच्छा है, बेटर ये है कि हम मिस्टर ओनर बन जाए। सो इसीलिए उसने ऐसा कहा। नेक्स्ट है, व्हाई डिड आंट जेन से दैट सी वुड टेक अ बस रादर देन गो बाय जैक्स कार। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आंट जेन है उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो कार से जाने की बजाय वो बस से चली जाएंगी। सो आंसर, आंट जेन सेड दिस बिकॉज दैट कार वॉज नॉट कम्प्लीटली ओन बाय जैक। तो मिस जो आंट जेन है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जिस कार की बात कर रही थी वो कार जो है स्वयं जैक या जेल का नहीं था, और इसीलिए वो जो है मना कर रही थी कि वो किसी दूसरे की कार से नहीं जाएंगी। यदि कार उनका खुद का रहता तब वो चली जाती, क्योंकि जो कार था वो इंस्टॉलमेंट पर था, और उनका कहना था कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मिस्टर सेज के हैं। सो इसीलिए वो साफ मना कर देती है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड जिल डू विद द रेंट £10 चेक प्रेजेंटेड बाय आंट जेन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जिल है, जिल ने उस £10 का जो चेक है उस चेक के साथ उन्होंने क्या किया जो कि आंट जेन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने उस £10 की जो चेक है उसका उन्होंने कहाँ पे यूज़ किया, किस तरह से यूज़ किया। सो आंसर, जिल सेंट द चेक फॉर £10 गिवन बाय आंट जेन टू डॉक्टर मार्टिन। तो वो जो चेक है वो जो है डॉक्टर मार्टिन को वो भेज देती है। क्यों भेज देती है, क्योंकि उनका खुद का जो बच्चा रहता है वो भी इंस्टॉलमेंट पे होता है, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट बचा हुआ रहता है, तो वो अपने बच्चा को हासिल करना चाहती है, इसीलिए वो डॉक्टर मार्टिन को भेज देती है नर्स के हाथों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी पीपल ऑफ इन द हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स, डू यू सपोर्ट दिस ट्रेंड, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई जो लोग होते हैं वो इस आदत में रहते हैं कि वो हर चीज़ों को वो इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, क्या आप इस बात को आप सपोर्ट करते हैं, रीज़न बताइए। सो आई डू नॉट सपोर्ट दिस फ्रेंड बिकॉज इन लाइफ दिस हैबिट ऑफ इंजॉइंग मेक्स वन इकोनॉमिकली वीक, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ इंजॉइंग एवरीथिंग। सो यहाँ पे ये है कि हम जो है इस बात से सपोर्ट नहीं करते हैं कि हमें ये आदत होनी चाहिए कि हर चीज़ों को हम इंस्टॉलमेंट पे ही खरीदें, क्योंकि इस तरह से यदि हम करते हैं तो हम आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और ये जो आदत है वो सही आदत नहीं है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब अ सिचुएशन विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस इन द प्ले। मीन्स उस जगह को आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है जहाँ पर आपने पाया है कि इस प्ले में, इस नाटक में आप मोस्ट ह्यूमरस, सबसे ज़्यादा हास्य को देखे हैं। सो ये है कि जब जिल सेज वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबीज रियली आवर्स, दिस इज द मोस्ट ह्यूमरस सिचुएशन इन द प्ले। सो इस प्ले में जिल जब कहती है, क्या कहती है कि जो एक इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे उसके बाद जो हमारा बच्चा होगा वो हमारा हो जाएगा। सो इस बात को लेकर के काफ़ी हंसी आती है कि चलो ठीक है, कई सारी वस्तुएं हैं, कार है, रेफ्रिजरेटर है, रेडियोग्राम है, जो भी चीज़ें हैं, पियानो है, चेयर्स है, फर्नीचर्स है, हाउस है, वो इंस्टॉलमेंट पे है, वो बात तो समझ में आती है कि चीज़ें हैं इंस्टॉलमेंट पे है। बट जब ये बातें सुनने को मिलती है कि जो बेबी है, बच्चा है, वो भी इनका खुद का नहीं है, वो भी इंस्टॉलमेंट पे है, तो ये जो बात होती है ह्यूमरस से ओतप्रोत होता है। तो ये जो घटना है, ये जो बात है, वो मोस्ट ह्यूमरस है इस प्ले में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल द नेवर नेवर नेस्ट, कैन यू सजेस्ट अ न्यू टाइटल। आप इस टाइटल से क्या समझते हैं, द नेवर नेवर नेस्ट से क्या आप कोई दूसरा टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं। सो आंसर, द टाइटल नेवर नेवर नेस्ट means that the house in which a person is living is not his own, as it is on the basis of paying installments for this. I can suggest a new at home on installments. So यहाँ पे जो घर है, means the never never nest है, इसका meaning ये है कि ऐसा घर जहाँ पे लोग तो रहते हैं और जो घर रहता है उनका स्वयं का नहीं रहता है, बल्कि वो जो घर होता है वो इंस्टॉलमेंट पे बेस्ड होता है, यानी इंस्टॉलमेंट पे वो घर रहता है, किस्त पे घर रहता है। सो एक टाइटल हम सजेस्ट कर सकते हैं, वो ये है, एट होम ऑन इंस्टॉलमेंट्स, यानी इंस्टॉलमेंट वाला घर, यानी किस्तों वाला
घर. सो इस तरह से हम जो है एक टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं. सो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.